हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं क्विक रिवीजन सीरीज में एनसीईआरटी की सेकंड चैप्टर लेकर आया हूं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और हम इसकी क्रैश कोर्स सीरीज भी देख चुके हैं, और अगर अभी तक आपने क्रैश कोर्स सीरीज नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो मकसद क्या है इस क्विक रिविजन सीरीज की। अगर आपका कोई चैप्टर वीक है, आप रिविजन कर रहे हो, लग रहा है थोड़ा ये चैप्टर वीक है, तो आप जल्द से जल्द इस वीडियो से आप इसका रिविजन कर सकते हो। नीट के ही एक दिन पहले आपको लग रहा है कि मेरी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस थोड़ी वीक है, सेल डिवीजन थोड़ी वीक है, तो तुरंत आप बिट्स फॉर बायोलॉजी पे आकर वीडियोस देख सकते हो। तो एक इजी वे में आप चैप्टर की रिवीजन कर सकते हो, क्विक रिवीजन कर सकते हो, स्पीडी रिवीजन कर सकते हो। तो टाइम को ज्यादा बर्बाद ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो ये जो चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जहां तक इसकी वेटेज की बात है, तो मैंने बताया था 3 से 4 क्वेश्चन इससे बनते ही हैं हर एक साल। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कंसंट्रेशन के साथ इसे देखेंगे। तो इसमें 2 हाइलाइटर का मैंने यूज किया है, एक तो रेड हाइलाइटर जिससे वो क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं पिछले 10 साल में, और येलो हाइलाइटर से वो चीजें अंडरलाइन की गई हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी बनती है एग्जाम में पूछे जाने की नीट में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे ये चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन हम क्यों करते हैं कि हमें पढ़ना ईजी हो जाए कोई चीज। ग्रुपिंग क्यों करते हैं हम, अपने कन्वीनियंस के आधार पे कि कोई चीज को हम इजी बनाना चाहते हैं तभी क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन जो किया गया वो फूड, शेल्टर और क्लॉथिंग के आधार पे। एरिस्टोटल आए साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन लेकर, जिसमें उन्होंने डिवाइड किया ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स। इसके बाद उन्होंने 2 ग्रुप में डिवाइड किया एनिमल को, जिनके पास रेड ब्लड होते हैं उनको इनेमा कहा, जिनके पास नहीं होते उनको एनेमा कहा। इसके बाद लिनियस का क्लासिफिकेशन आया, लिनियस को तो आप जानते ही हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोला जाता है। इनकी जो क्लासिफिकेशन आई 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, इसमें इन्होंने प्लांट और एनिमल 2 पार्ट में किंगडम को डिवाइड किया। तो इनमें कुछ डिमेरिट्स भी थी, बहुत सारी कमियां थी, जैसे इन्होंने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में कुछ बातें नहीं की, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बारे में जिक्र नहीं किया, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक के बीच इन्होंने कोई भी बात नहीं की। ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान देंगे क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बनती है यहां से। आगे अगर देखें तो ये सब पॉइंट से तो कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकते। क्लासिफिकेशन के बारे में बताया है कि जैसे जैसे हमारा क्लासिफिकेशन चेंज होगा, जैसे जैसे लोगों की अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ेगी, तो इसमें कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं क्लासिफिकेशन में। अब है ये पेज नंबर 17 हमारा। पेज नंबर 17 में ये बॉक्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसमें जो 5 किंगडम है उसको डिफ्रेंशिएट कर रखा है, कैसे कैसे कौन सा किंगडम में क्या है खास बात, तो इस चार्ट को आप जरूर देखेंगे। इसमें खास बात जो है मैं बता रहा हूं, जो सेल वॉल होती है मोनेरा की वो नॉन सेलुलोजिक होती है, सेलुलोज की नहीं बनी हुई होती है, वो पॉलीसेक्राइड प्लस एमिनो एसिड्स की बनी हुई होती है। सेल वॉल मैंने क्रैश कोर्स में डील नहीं किया, उसे मैं चैप्टर 8 में डील करूंगा, वहीं प्रोकैरियोटिक सेल दे रखा है एनसीईआरटी में इसलिए। तो ये मोनेरा प्रोकैरियोटिक होता है, इसके अलावे सारे जो किंगडम है वो यूकैरियोटिक होते हैं। सेलुलोज के बने हुए होते हैं प्लांट के सेल वॉल, हमारा जो सेल वॉल होता है एनिमल्स का उसमें सेल वॉल होता ही नहीं है, सेल मेम्ब्रेन होता है। जो फंजाई का सेल वॉल होता है वो काइटिन का और पॉलीसेक्राइड का बना हुआ है। एक चीज और, जो नई एनसीईआरटी आई है उसमें चेंजेस हैं, मैं एक उसकी, अगर आप कमेंट करते हो तो मैं उसकी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। जितनी 11 और 12 में एनसीईआरटी में वर्ड में डायग्राम में चेंजेस हुई हैं तो उसकी एक स्पेशल वीडियो मैं आपको दूंगा, तो कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको चाहिए हो तो। नेक्स्ट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो ये तो जानते ही आप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में नहीं होता और बाकी सब में प्रेजेंट होते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे ये लेवल बढ़ती गई, सेलुलर लेवल से आज हम मल्टी सेलुलर लेवल पे पहुंच चुके। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो जो मोनेरा है वो ऑटोट्रॉफिक भी करते हैं और हेटरोट्रॉफिक भी, तो प्रोटिस्टा है तो ऑटोट्रॉफिक भी है हेटरोट्रॉफिक भी। फंजाई सिर्फ हेटरोट्रॉफिक होते हैं और जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, कुछ हेटरोट्रॉफिक हैं जो हम देखेंगे एग्जाम्पल इंसेक्टिवोरस प्लांट वगैरह, और एनिमल्स जो होते हैं वो प्योरली हेटरोट्रॉफिक होते हैं, दूसरों पर ही डिपेंड होते हैं फूड के लिए। अब ये हमारा इंपॉर्टेंट है, आर एस विटेकर 1969, इन्होंने 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन प्रपोज की, जो कि था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। इस क्लासिफिकेशन में जो क्वेश्चन पूछी गई थी एग्जाम में कि किस चीज को इसमें दिया गया, मेन क्राइटेरिया क्या लिया गया, बेसिस क्या था इस क्लासिफिकेशन का, सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ये 5 चीजें थी क्राइटेरिया। तो ये चीजें थोड़ी ज्यादा हाईलाइट हो गई हैं रेड से, अगली बार कोशिश करूंगा लाइट कलर से इसे हाईलाइट करूं, तो इसके लिए सॉरी। आगे हम देखें अगर,
तो इससे तो कोई क्वेश्चन नहीं बनता। इसमें जो पैराग्राफ है इसमें सिर्फ डिटेल है कि कैसे क्या क्लासिफिकेशन हुआ था। आज तक इससे पूछने के पूछे भी नहीं जा सकते। ये तो आप जानते ही हैं कि अगला जो प्लांट किंगडम है उसमें हम एल्गी से लेके एंजियोस्पर्म तक पढ़ेंगे, यही सब इसमें बता रखा है। आगे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो है किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लेमिडोमोनास एंड क्लोरेला। किंगडम प्रोटिस्टा में ही अब पढ़ते हैं हम क्लेमिडोमोनास और क्लोरेला को। पहले इसे रखा गया था अलग एल्गी में, इसे प्लेस किया गया था क्योंकि इसके बाद सेल वॉल वगैरह होते थे। अब जो क्वेश्चंस यहाँ पे पूछी गई, और फाइलोजेनेटिक का मतलब क्या होता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे जो स्टडी की जाती है उसको हम फिलोजेनी बोलते हैं। नेक्स्ट है, स्टार्ट करते हैं किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में जो सबसे पहली लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा। मैंने क्रैश कोर्स में भी पहले बताया था आपको कि मोनेरा में जो आता है वो बैक्टीरिया बन जाता है। तो ये वही बात है, बैक्टीरिया दुनिया में हर जगह है। ये इंपॉर्टेंट है कि बैक्टीरिया को चार शेप में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट शेप्स। ये पहला है, ये जो पहला डायग्राम आप देख रहे हैं स्फेरिकल कोकस है, रॉड से बैसिलस है, स्पाइरल स्पाइरलम है और कॉमा से विब्रियो है। चारों डायग्राम बिल्कुल अच्छे से देखें। आगे बढ़ते हैं हम पेज नंबर 19 में। पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल बट दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। ये लाइन डायरेक्ट आ सकती है, Which one of the following is correct या incorrect पूछे जाते हैं, उसमें ये लाइन डाली जा सकती है। Next है, bacteria as groups show the most extensive metabolic diversity। क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा किंगडम एज अ ग्रुप सो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डायवर्सिटी, तो बैक्टीरिया मीन्स किंगडम मोनेरा। इसमें कुछ ऑटोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक का डेफिनेशन लिख रखा है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आती है आर्किबैक्टीरिया। आप देख रहे होंगे पूरी लाइन ही हाईलाइट है इसकी, ऐसा कोई भी साल ही शायद बचा होगा, कोई भी ईयर ऐसा नहीं होगा जिसमें आर्किबैक्टीरिया से क्वेश्चन पूछे गए। आप पूरी मोनेरा के वेटेज ले लो और आर्किबैक्टीरिया की वेटेज अकेले ले लो, बराबर पड़ती है लगभग। इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल कि मोस्ट हार्श हैबिटेट में कौन से होते हैं, तो आर्किबैक्टीरिया। डीप सी वाटर में कौन होते, तो आर्किबैक्टीरिया। सॉल्टी एरियाज में कौन होते, तो आर्किबैक्टीरिया। मेथेनोजेंस किस में आते हैं, तो आर्किबैक्टीरिया। ये पूरी की पूरी पैराग्राफ इसमें इंपॉर्टेंट है। इसमें तीन चीजें आती हैं, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स और मेथेनोजेंस। आर्किबैक्टीरिया एक नॉर्मल बैक्टीरिया से डिफर किस चीज में करते हैं, सेल वॉल स्ट्रक्चर या सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में, क्योंकि एक्सट्रीम कंडीशन में इसलिए सर्वाइव कर पाते हैं। मेथेनोजेंस जो होते हैं वो किसी भी रूमिनेंट एनिमल्स जैसे कोई भी कैटल्स वगैरह हैं, काउज हैं, बफेलो है, तो इसके ये गट में होते हैं मेथेनोजेंस। मेथेनोजेंस का यूज किस लिए किया जाता है, मीथेन के प्रोडक्शन में। ये चीज थी हमारी आर्किबैक्टीरिया, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको जरूर देखेंगे अच्छे से। नेक्स्ट है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं, क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट है साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। इसके दो टाइप हैं, एक तो फोटो सिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स और एक केमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉप। तो फोटो सिंथेटिक में तो ये आप देखते ही हैं, नोस्टोक एनावेना वगैरह आती है। इसमें सराउंडेड बाय जिलाटिनियस सीड, ये जो सीड आप देख रहे हैं, ये जो डायग्राम देख रहे हैं, इसमें जो सीड है साइड में ये म्यूसिलेज की बनी हुई होती है जिसको जिलाटिनियस सीड भी बोलते हैं। जो वाटर ब्लूम जानते हैं आप, पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में होती हैं। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हेट्रोसिस्ट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है नोस्टोक एनाबेना वगैरह, एच शेप्ड की ये सेल होती है जो आप देख रहे हैं डायग्राम में। हेट्रोसिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट, नोस्टोक और एनाबेना दोनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कैसे ऑक्सीडाइज करती हैं, उसमें तो ऑप्शन दे रखा था ग्लूकोज वगैरह, तो इसमें ग्लूकोज से कोई रिलेशन ही नहीं है, केमिकल यहाँ दो तीन ही आते हैं, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और अमोनिया। बहुत ही अच्छा रोल है इसका रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स में, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर वगैरह में। हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, अगर पूछे अबंडेंस के हिसाब से दुनिया में सबसे ज्यादा कौन से बैक्टीरिया होते हैं, ऑटोट्रॉफिक या हेटरोट्रॉफिक, तो हेटरोट्रॉफिक बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि इनका ह्यूमन पे सिग्निफिकेंट रोल होता है। जैसे दूध से दही बनाने में काम लिया जाता है, एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन में काम लिया जाता है, लेग्यूम प्लांट्स वगैरह में नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आता है। क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट है हमारा कि कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जो डिजीज काउज करते हैं, जैसे कॉलेरा, टाइफाइड, टिटनस, साइट्रस कैंकर, और कुछ ऐसे भी जो है पैथोजेंस मीन्स हैं ये जो डिजीज काउज करते हैं। इसके आप याद कर लेंगे कि कौन से पैथोजेंस ये होता है, जैसे कॉलेरा, विब्रियो कॉलेरी, टाइफाइड, सेल्मोनेला टाइफी, टिटनस, क्लोस्ट्रीडियम टिटानी और साइट्रस कैंकर, जैंथोमोनास साइट्री। नेक्स्ट है हमारा बैक्टीरिया फ्यूजन से रिप्रोड्यूस करता है, अगर अनफेवरेबल कंडीशन हो तो स्पोर से, और अगर फेवरेबल कंडीशन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है तो डीएनए का ट्रांसफर होगा एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। माइकोप्लाज्मा बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस साल भी क्वेश्चन पूछा गया था इस पे। माइकोप्लाज्मा एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें सेल वॉल नहीं होती, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, आप जानते ही इनके बारे में, पीपीएलओ, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन।
मिनी माइकोप्लाज्मा और पैथोज यानी कि इन एनिमल्स एंड प्लांट। डायरेक्ट ये लाइन नोट कराई थी कि एनिमल्स और प्लांट्स दोनों को डिजीज नुकसान पहुंचाते हैं माइकोप्लाज्मा। अब है हमारा ये किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा की एक लाइन सबसे गजब की है, जो वो सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स जो है वो प्रोटिस्टा में आते हैं। अगर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स अगर कोई भी हैं तो प्रोटिस्टा में ही आएंगे। इसमें पांच चीजें हमें पढ़नी होती हैं, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स, सिलिनोइड्स, स्लाइमोल्ड्स और प्रोटोजोअन्स। ये पांच चीजें प्रोटिस्टा में आती हैं। मेंबर्स ऑफ जो प्रोटिस्टा एक्वेटिक ही होते हैं, प्राइमरी एक्वेटिक। ये किंगडम की खास बात, इसमें प्लांट, एनिमल और फंजाई तीनों से आपको लिंक देखने को मिलेगा। जैसे स्लाइम मोल्ड ही देख लो आप, इसमें फंजाई से लिंक मिलती है। नेक्स्ट, तो ये तो जानते ही, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे क्योंकि ये यूकैरियोट्स हैं। क्राइसोफाइट्स, अगर पूरी वेटेज की बात करें जो पांच हम इसमें पढ़ेंगे, तो सबसे ज्यादा वेटेज क्राइसोफाइट्स की ही है। क्राइसोफाइट्स में हर एक लाइन से क्वेश्चन पूछी गई है। क्राइसोफाइट्स में दो पार्ट आते हैं, एक तो डायटम्स और एक गोल्डन एल्गी जिन्हें डेसमिट्स बोला जाता है। ये होते कहाँ हैं? ये फ्रेश और मेराइन वाटर में होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, छोटे छोटे, और वाटर करंट में ये पैसिवली फ्लो करते हैं। मीन्स हवा के जो झोंके होते हैं वही इनको फ्लोट करवाती है, प्लैंकटॉन्स की तरह, जो जू प्लैंकटॉन्स या फाइटोप्लैंकटॉन्स होते हैं। नेक्स्ट है, ज्यादातर ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। नेक्स्ट है, इसमें जो साबुन की जो डब्बा होता है उसकी ही तरह इसमें सेल वॉल के दो तीन ओवरलैपिंग सेल होते हैं, जो साबुन के डब्बे की तरह फिट बैठ जाती है डायटम्स में। इसमें सिलिका डिपोजिट होता है जो कि इनडिस्ट्रक्टिबल होता है। ऑप्शन में था डिस्ट्रक्टिबल, तो जी नहीं, ये इनडिस्ट्रक्टिबल होता है, इसको कभी तोड़ा ही नहीं जा सकता। इसके जो सेल वॉल होते हैं वही जब लंबे समय तक जमे हो जाते हैं तो वही बनते हैं डायटमेसियस अर्थ। एक टाइप का सॉइल होता है जिसका हम यूज पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल में और सिरप्स में। लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हाईलाइट करना भूल गया इसे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियंस। अगर पूरी ओशियन में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक जो बनता है वो डायटम्स से ही बनता है फूड। तो ये हमारा ये पूरा पार्ट कंप्लीट हुआ यहाँ तक, क्रेसोफाइट्स तक। अब हम आते हैं डायनोफ्लैजेलेट्स में। जो नई एनसीईआरटी है उसमें डायनोफ्लैजेलेट्स के डायग्राम बने हुए हैं, स्लाइम मोल्ड्स के डायग्राम बने हुए हैं। नई एनसीईआरटी पे जल्दी ही मैं वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट है डायनोफ्लैजेलेट्स मेराइन और फोटोसिंथेटिक होते हैं। आपने क्रेसोफाइट्स भी देखा, वो भी फोटोसिंथेटिक। इसमें कलर्स वगैरह पिगमेंट, जो पिगमेंट प्रेजेंट होगी उस तरह के इसमें कलर होते हैं। स्टीफ सेलुलोज प्लेट्स होती है आउटर सर्फेस पे, दो फ्लैजला होते हैं, एक तो लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स। एक वॉल प्लेट के बीच में फरो होती है, होल होती है, उसके बीच में ये फ्लैजला प्रेजेंट होती है। इसमें नेक्स्ट है रेड डायनोफ्लैजेलेट्स गोनियोलॉक्स। इसका मल्टीप्लीकेशन इतना फास्ट होता है कि पूरा जो सी है वो रेड दिखाई देने लगता है, इसलिए इसको रेड टाइड बोलते हैं। इससे टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं जिससे फिशेस वगैरह समुद्र में मर जाती हैं, मेराइन एनिमल्स। नेक्स्ट हमारा इग्लिनोइड्स। इग्लिनोइड्स जनरली इग्लिना फ्रेश वाटर में ही होते हैं। सेल वॉल इनके पास नहीं होता, सेल वॉल की जगह इनके पास एक प्रोटीन का लेयर होता है जिसको हम बोलते हैं पेलिकल, जिसलिए बॉडी इनका फ्लेक्सिबल होता है। इनके पास दो फ्लैजला होते हैं, छोटे एक लंबे। फोटोसिंथेटिक और हेटरोट्रॉफिक दोनों होते हैं। ये खास बात इसकी है कि ये मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो आउट करते हैं। मीन्स फोटोसिंथेटिक अगर सनलाइट दोगे तो फोटोसिंथेटिक है, अगर सनलाइट नहीं है तो ये हेटरोट्रॉफिक है। इनमें जो पिगमेंट्स होती हैं वो हायर प्लांट्स के ही जैसे पिगमेंट है। तो ये हमारा खत्म हुआ इग्लिनोइड्स। अब है स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स सेप्रोफाइटिक होते हैं, मीन्स एज ए हेटरोट्रॉफिक ही ये प्रेजेंट्स रहेंगे। बॉडी जो होती है इनकी, अगर सुटेबल कंडीशन है तो प्लाज्मोडियम, एक तो प्लाज्मोडियम आप पढ़ते हैं स्पोरोजोअन्स में जो मलेरिया वाली, और इसमें भी प्लाज्मोडियम होती है। प्लाज्मोडियम और उसमें क्या डिफरेंस है, क्रैश कोर्स में बताया है मैंने। नेक्स्ट है अनफेवरेबल कंडीशन में ये प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट होती है, स्पोर्स इसके टिप पे होते हैं। जो स्पोर्स होती है इनके पास ट्रू वॉल होते हैं, फॉल्स वॉल नहीं होती, इनके पास ट्रू वॉल होते हैं। एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट होते हैं, बहुत सारे एडवर्स कंडीशन में भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। नेक्स्ट है स्पोर्स जो डिस्पर्स होती हैं वो एयर करंट से, वाटर करंट से ये चीजें नहीं होती, एयर करंट से वो स्पोर डिस्पर्स होगी। नेक्स्ट है प्रोटोजोअन्स, प्रिमिटिव रिलेटिव रहे किसी भी एनिमल के, चार ग्रुप है इसके। पहला है अमीबॉइड प्रोटोजोअन। अमीबॉइड प्रोटोजोअन में एंटा अमीबा एग्जांपल आता है, इसमें स्यूडोपोडिया फॉस्फेट का यूज होगा। नेक्स्ट है फ्लैजलेटेड प्रोटोजोअन्स, इसका एग्जांपल है ट्रिपैनोसोमा जिससे होता है स्लीपिंग सिकनेस। नेक्स्ट है सिलेटेड प्रोटोजोअन्स, जिसमें सीलिया वगैरह, हजारों सीलिया प्रेजेंट होते हैं, और ये उतना खास है नहीं, इसमें पैरामीशियम एग्जांपल आएगा सिर्फ। नेक्स्ट है स्पोरोजोअन्स, जिसका एग्जांपल है प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट, जो कि एक स्टैगरिंग इफेक्ट है किसी भी ह्यूमन पॉपुलेशन पे, इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होता है इसमें। किंगडम फंजाई, तो हेटरोट्रॉफ तो होता ही, आप जानते ही हैं। नेक्स्ट है कि ग्रेट डाइवर्सिटी मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट में ये होता है। आगे है कि यूनिसेलुलर फंजाई आप जानते ही हैं, एस्ट और पेनिसिलियम वगैरह का जो यूज होता है, बनता है वो एंटीबायोटिक। पेनिसिलियम जो फंगस थी इससे ही एंटीबायोटिक बनाई गई थी पहली।
नेक्स्ट है माइसिलियम क्या होता है, तो नेटवर्क ऑफ जो हाइफी होती है उसको माइसिलियम बोलते हैं। एक सिनोसाइटिक हाइफी होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसमें मल्टी न्यूक्लेटेड साइटोप्लाज्म होती है, एक ट्यूब होती है कंटिन्यू, अब मैंने बताया है क्रैश कोर्स में, तो वहां देख लेंगे आप सिनोसाइटिक हाइफी। नेक्स्ट है जो सेल वॉल होती है फंजाई की, वो काइटिन और पॉलीसेक्राइड की बनी हुई होती है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। इसके टाइप होते हैं सैप्रोफाइट भी हो सकते हैं, पैरासाइट्स भी, सिम्बायोंट्स भी। सिम्बायोंट इंपॉर्टेंट है हमारा, लाइकेन और माइकोराइजा। अगर एल्गी और फंजाई की एसोसिएशन चल रही है तो लाइकेन है, अगर फंजाई और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स की चल रही है तो वो माइकोराइजा है। माइको मीन्स फंगस, राइजा मीन्स रूट्स। रिप्रोडक्शन जो फंजाई में है वो वेजिटेटिव से फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन और बडिंग में होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो स्पोर है वो कॉनिडिया है, स्पोरेंजियोस्पोर है और जूओस्पोर है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओओस्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर है। जो वेरियस स्पोर्स हैं जो किसी स्ट्रक्चर में बनते हैं, उन स्ट्रक्चर को फ्रूटिंग बॉडी बोला जाता है, जैसे बेसिडियोकार्प, एस्कोकार्प, ये सब। इसमें तीन स्टेप्स होते हैं, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और फिर लास्ट में मियोसिस होता है, जिससे हैप्लोइड स्पोर बनते हैं। अगर जो फंगस में डायकैरियोटिक स्टेज होता है, जो डायकैरियोफेज या डायकैरियन, अगर ऐसा होता है तो एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में ही ऐसा देखा गया है। आगे है जो फंजाई का तीन क्लासिफिकेशन है, फंजाई के जो चार बेसिस में डिवाइड किए गए क्लासेस हैं, किस बेसिस पे डिवाइड है। पहला, मॉर्फोलॉजी कैसा है माइसिलियम का, एसेप्टेट है या सेप्टेट है, ब्रांच्ड है, इस बेसिस पे। मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट है फ्रूटिंग बॉडी, इसके ही बेसिस पे क्लासिफिकेशन की गई है। एनसीईआरटी का डायग्राम अच्छे से देख लें। फाइकोमाइसिटीज, इसे एल्गल फंजाई भी बोला जाता है, ये जनरली एसेप्टेट और सिनोसाइटिक होते हैं। सिनोसाइटिक का सिंपल सा मतलब है जब मल्टी न्यूक्लेटेड चीजें हो तो उसको सिनोसाइटिक बोलेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों होता है, मोटाइल है तो जूओस्पोर है और नॉन मोटाइल है तो ए प्लेनोस्पोर है। इंडोजेनसली प्रोड्यूस होता है, हम इसी में बार बार कंफ्यूज करते हैं, इंडोजेनसली एक्सोजेनसली, तो सिर्फ फाइकोमाइसिटीज है इंडोजेनसली, बाकी सब है एक्सोजेनसली, ये चीज आप याद रखें। आइसोगैमस भी होता है, आइसोगैमस मीन्स अगर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हैं गैमेट्स तो इन्हों आइसोगैमस, अगर डिसिमिलर हैं तो एनिसो या उगैमस। नेक्स्ट है एग्जांपल इसके, म्यूकर, राइजोपस और एल्बुगो। मरा याद रख सकते हैं आप, एम आर ए, म्यूकर, राइजोपस और एल्बुगो। राइजोपस ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, एल्बुगो जो मस्टर्ड पे व्हाइट व्हाइट स्पॉट होते हैं पैरासिटिक फंगस की, एल्बुगो ये हुआ। नेक्स्ट है एस्कोमाइसिटीज, इन्हें सैक फंजाई बोला जाता है, ये जनरली मल्टीसेलर होते हैं, लेकिन इसका एक एक्सेप्शनल केस है यूनिसेलर, जो कि ईस्ट है, जिसे साइक्रोमाइसिस साइंटिफिक नेम है। कॉप्रोफिलस होता है, डंग गोबर पे होता है ये, जिन्हें डंग लवर बोलते हैं, कॉप्रोफिलस। माइसिलियम जो इसकी होती है वो ब्रांच्ड और सेप्टेट होती है। तो इसके बाद अगर इसके एग्जाम्पल देखें तो एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा वगैरह है। न्यूरोस्पोरा तो आप जानते हैं बहुत ही अच्छा जेनेटिक्स में इसका यूज किया जाता है, बायोकेमिकल यूज वगैरह भी है। इसके दो मेंबर होते हैं, मॉरेल्स और ट्रफल्स, जो खाने के तौर पर यूज किए जाते हैं, बहुत ही डेलीशियस होते हैं। नेक्स्ट है बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज में मशरूम आता है, और भी एग्जांपल हैं, ब्रैकेट फंजाई, पफबॉल्स, रस्ट और स्मार्ट जैसे पैरासाइट डिजीज कॉज करते हैं प्लांट वगैरह में। माइसिलियम ब्रांच्ड और सेप्टेट होती है, एसेक्सुअल स्पोर इसमें नहीं होते, लेकिन हाँ फ्रेगमेंटेशन से होती है ये रिप्रोडक्शन। सेक्स ऑर्गन भी इसमें एब्सेंट होते हैं। दो वेजिटेटिव या सोमैटिक सेल्स होते हैं अलग स्ट्रेन के, जो प्लाज्मोगैमी करते हैं। नेक्स्ट है कैरियोगैमी और मियोसिस, जो होती है वो चार बैसिडियोस्पोर्स पैदा करते हैं। जो बैसिडियोस्पोर्स होते हैं वो एक्सोजेनसली, आपने देखा है सिर्फ फाइकोमाइसिटीज जो है वहां पे आप याद रखेंगे इंडोजेनसली, बाकी सब है एक्सोजेनसली। बैसिडियोकार्प जो कि फ्रूटिंग बॉडी है, एग्जाम्पल है इसके, आज मैं यूपी जाऊंगा, एगेरिकस फॉर आज, यू मीन्स यूस्टिलागो, यूपी इस्टिलागो और पक्सिनिया, इस्टिलागो मीन्स स्मार्ट, पक्सिनिया मीन्स रस्ट और फंगस। ड्यूटेरोमाइसिटीज इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ही पता है आज तक, सेक्सुअल फॉर्म इसमें पता नहीं है। अगर सेक्सुअल फेजेस अगर इसमें पता चलती हैं तो हम इन्हें एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में भेज देंगे। इसके एग्जाम्पल हैं अल्टरनेरिया, कोलेटोट्रिकम और ट्राइकोडर्मा। इसके काफी यूज भी हैं डिकम्पोज करने में, लीटर और मिनरल साइक्लिंग में भी इनका हेल्प है। सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक होते हैं, आप तो जानती हैं ट्राइकोडर्मा से रिंगवर्म वगैरह होती है, फंगल डिजीज है। नेक्स्ट है प्लांटी, प्लांटी तो हम अलग प्लांट किंगडम ही पढ़ेंगे, और नेक्स्ट है नीचे एनिमल किंगडम। तो पहले प्लांटी के बारे में कि यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग होती है, इसमें कुछ हेटरोट्रॉफिक हैं, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, नाम आपको याद रखने हैं, ब्लैडर वॉर्ट, वेनस फ्लाई ट्रैप जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट हैं, कैस्केटा जो कि एक पैरासाइट है।
इसमें सेल वॉल तो सिलोज की बनी हुई होती है, जानते ही हैं। इसमें कुछ चीजें याद रखनी है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में, कि जो लेंथ होती है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड फेज की, वो लेंथ और वो चाहे लिविंग है या किसी पे डिपेंडेंट है, तो वो चीजें तो ये डिफर करती हैं किसी भी प्लांट में, तो इसको ही अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं। ये चीजें आपको समझ में आएंगी प्लांट किंगडम में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। नेक्स्ट है एनिमल किंगडम, इसमें बात करते हैं कि ये तो आप जानते हैं इसके बारे में, ज्यादातर हेटरोट्रॉफिक और यूकैरियोटिक होते हैं। ये फूड रिजर्व करते हैं ग्लाइकोजेन के फॉर्म में या फैट के फॉर्म में। इनके पास इलाबोरेट सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म होता है हायर फॉर्म्स के पास, जैसे हम लोग जो हैं लोकोमोशन करते ही हैं हम, तो ये चीजें कही गई। लास्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वायरसेस, वायरॉइड्स और लाइकेंस। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में विटेकर ने इन्हें जगह नहीं दी, क्योंकि ये एसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे। ये अंदर अगर किसी में जा रहे हैं तो लिविंग है होस्ट में, बाहर है तो नॉन लिविंग, इसलिए इन्हें जगह भी बिल्कुल नहीं मिली। नादान है बेचारे ये। तो इसमें बात करते हैं कि वायरसेस को जगह नहीं मिली, इसके बारे में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर की इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होते हैं किसी भी सेल के बाहर में, और जैसे ही सेल के मैसनरी को ये फॉलो करते हैं तो कील करते हैं धीरे धीरे होस्ट को, और उस पर ये अपना रहना बसना गुजार लेते हैं। इसमें बात है टोबैको मोजाइक वायरस और बैक्टीरियोफेज की डायग्राम। बैक्टीरियोफेज की तो डायग्राम पूछी जा चुकी है, लेबलिंग याद रखें, टोबैको मोजाइक वायरस के डायग्राम है ये भी याद रखें। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो वायरस नाम है जिसका मतलब होता है वेनम या पॉइजनस फ्लूड जहर, जो कि पाश्चर ने दी थी। इवानोबस्की ने कहा था कि मोजाइक डिजीज ऑफ जो टोबैको होती है उसमें भी कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो वायरस ही होती है। ये बैक्टीरिया से बहुत छोटे होते हैं जो बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से भी क्रॉस कर जाते हैं। इसके बाद है बेजरनेक। बेजरनेक ने कुछ फ्लूड्स निकाले, उसको कहा उसने कि ये कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडम है, मींस इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड है। फिर आए साइंटिस्ट स्टेनली। स्टेनली ने कहा वायरस को क्रिस्टलाइज भी कर सकते हैं, इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं उसमें प्रोटीन के बने हुए होते हैं। नेक्स्ट है वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, मींस 100% पैरासिटिक होते हैं, फैकल्टेटिव की कोई जगह नहीं। अगर हम इसमें बात करें तो वायरसेस के पास जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं, चाहे तो आरएनए चाहे तो डीएनए, दोनों नहीं हो सकते। अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, और एनिमल्स में कुछ भी हो सकता है, इस एक्सेप्शन है। जो एक्सेप्शन पूछे जाएंगे मैंने क्रैश कोर्स में बता दिया है। नेक्स्ट है बैक्टीरियल वायरसेस या बैक्टीरियोफेज किन्हें कहते हैं। वैसे वायरस जो इन्फेक्ट करते हैं किसी बैक्टीरिया को, इनको बैक्टीरियोफेज बोला जाता है। ये जनरली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बोलते हैं इसे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बैक्टीरियोफेज का जो जेनेटिक मटेरियल है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। नेक्स्ट है प्रोटीन कोट कैप्सिड के बने हुए होते हैं, कैप्सोमेयर, जो कि न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करने में काम आते हैं। पूछे गए हैं क्वेश्चन, इसमें जो कैप्सोमेयर होती है, कैप्सोमेयर जैसा कि आप टोबैको मोजाइक वायरस में देख रहे हैं, ये हेलिकल और पॉलीहेड्रल फॉर्म में ये होती है, ये याद रखेंगे आप। वायरस जो डिजीज कॉज करते हैं उन्हें वायरल डिजीज बोलते हैं, जैसे कि मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज और इन्फ्लुएंजा। एड्स भी है, ह्यूमन जो में होता है वो वायरल डिजीज ही होता है। प्लांट्स में कुछ सिम्टम्स देखे गए जैसे मोजाइक फॉर्मेशन, लीफ रॉलिंग एंड कर्लिंग, एलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ। ये सब जो होते हैं प्लांट्स में सिम्टम्स हैं कुछ। ये हमारा यह टॉपिक है वायरॉइड्स। वायरॉइड्स में 1971 में टीओ डिनर ने एक इन्फेक्शियस एजेंट को खोजा जो कि वायरस से भी छोटे थे, जो डिजीज काउज करते थे, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। इसमें जो आलू होती है वो स्पिंडल शेप की हो जाती है, इसमें फ्री आरएनए होता है, इसमें प्रोटीन कोट नहीं होता इसलिए हल्के होते हैं। आरएनए ऑफ वायरॉइड वाज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। इसमें यहीं पे बीच में टॉपिक है प्रायोन्स। प्रायोन्स में आपको दो चीजें याद रखनी है, दो डिजीजेस जो होती हैं, एक मैडकाउ डिजीज होता है और एक जो ह्यूमन में डिजीज जो होता है वो मैडकाउ डिजीज को अगर ह्यूमन खाता है जिसको सीजेडी बोलते हैं, वो क्रैश कोर्स में मैंने बता दिया है, याद रखेंगे। दो सिर्फ दो डिजीज हैं ये। नेक्स्ट है लाइकेन। लाइकेन में जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है एल्गी और फंजाई के बीच, इसको ही लाइकेन बोलते हैं। लाइकेन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो एल्गल कंपोनेंट और एक फंगल कंपोनेंट। एल्गल को फाइकोबायोंट, फंगल को माइकोबायोंट। तो ये ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक रेस्पेक्टिवली हम तो जानते ही हैं। एल्गी जो होती है वो फूड बनाती है तो ऑटोट्रॉफिक है, फंजाई खाती है तो हेटरोट्रॉफिक है, दूसरों पर डिपेंड रहती है। तो ये सब बातें थी इसके बारे में। आप नेचर में नहीं देख पाओगे लाइकेन को अकेले, दोनों रहते हैं तो साथ में ही रहते हैं एल्गी और फंजाई। लाइकेन्स आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स, दे डोंट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज, ये आप याद रखेंगे। तो हमारा ये क्विक रिवीजन सीरीज सेकंड चैप्टर का यहीं पे खत्म हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा,
और फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तो सब्सक्राइब करो यार। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।